हेलो एवरीवन। सो कंपनी है मार्क्सन्स फार्मा लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है 28 अप्रैल। सो अभी तक की मूवमेंट क्या रही है कंपनी के अंदर में, कि कब का ब्रेकआउट दिया, कब का ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल्स ने अगले ही महीने से कंसोलिडेट करना चालू कर दिया था ऊपर के एरिया से। ठीक है, अब उसका ब्रेकआउट होना बचा हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो वहां से कैंडल्स आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। वॉल्यूम्स की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम सपोर्ट है पूरे चार्ट के अंदर। जब जब प्राइस गिर रहा है, जब जब प्राइस करेक्शन पर जा रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज है। अभी था क्या कि अराउंड 1 से 1.5 हफ्ते पहले कैंडल्स की मूवमेंट लगातार अपसाइड में हो रही थी, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ था। यानी कि रेजिस्टेंस पॉइंट के बहुत करीब थी कैंडल, पर ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो अपने को देखना क्या है कि ब्रेकआउट हुआ है या फिर नहीं उस पॉइंट का। तो चीजों को समझने के लिए डायरेक्टली चार्ट को लगा देते हैं डेली चार्ट के ऊपर, ताकि चीजों को देख पाए क्लियरली अपन। तो डेली चार्ट है ये, यहाँ पे एक कैंडल एक दिन की है। तो पॉइंट अपना था कुछ ये एरिया, यहाँ का ब्रेकआउट कैंडल्स को देना था कुछ इस पॉइंट से। यहाँ पे एक कैंडल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, कुछ इस कैंडल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट ब्रेकआउट नहीं दे पाई। देख सकते हैं इसकी दूसरी कैंडल बनी है इसके जस्ट एक दिन बाद, यानी कि ये कैंडल्स मैं बॉक्स बना रहा हूँ। इस कैंडल का हाई ने क्लोज तो किया है, यानी कि ब्रेकआउट तो किया है अपने रेजिस्टेंस पॉइंट का, बट क्लोज नहीं दे पाया ऊपर तक, क्लोज दिया है नीचे। यानी कह सकते हैं कि अभी भी 180 रुपए के आसपास के लेवल पे सेलर्स एक्टिव हैं। जैसे ही प्राइस उस एरिया में जा रहा है वहां से प्राइस करेक्ट होके नीचे आ जाता है। ठीक है, अभी कैंडल्स फिर से ट्राई कर रही हैं उसी लेवल को ब्रेक करने के लिए। एक बार लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये लेवल बना हुआ है 180 के आसपास का ब्रेक हो जाता है, तो मूवमेंट अच्छा खासा मिलने की संभावना ज्यादा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है जब से प्राइस करेक्शन पर गई है, जब से प्राइस कंसोलिडेट कर रही है लगातार, उस टाइम वॉल्यूम देखिए लगातार वॉल्यूम डिक्रीज है। यानी कि कहीं भी वॉल्यूम का ऐसा नहीं दिख रहा कि अगर प्राइस गिर रहा है तो वॉल्यूम हाई है। साफ साफ इंडिकेट है कि वॉल्यूम्स की मूवमेंट है लगातार गिरती हुई मूवमेंट है। यानी कि प्राइस गिर रहा है तो वॉल्यूम भी गिरते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो वेट है अपने को 180 के लेवल ब्रेक होने का। जैसे ही लेवल ब्रेक होता है अच्छी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो माइट बी पॉसिबल हो कि कैंडल्स आगे चलने के लिए रेडी हो जाएं। सो फिलहाल रुक के देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये मूवमेंट कैसी रहने वाली है, क्या कैंडल्स ब्रेकआउट दे पाएगी या फिर नहीं। दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।